में पीसीआर फूड चैलेंज आज लाए महाथाली चिकन लेग करी राइस चैलेंज, दोनों के बीच में आज महाटक्कर होने वाली है। तो देखते हैं कौन इस महाथाली को पहले ढेर करता है और आज का ढेर सारा इनाम जीत के ले जाता है। आज इनाम के तौर पे रखा गया है 2200 रुपए का कैश इनाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीआर फूड चैलेंज में। पीसीआर फूड चैलेंज आज लाए महाथाली चिकन लेग करी राइस चैलेंज। इस महाथाली को ढेर करने के लिए, समाप्त करने के लिए आज हमारे पास दो खतरनाक योद्धा उतरे हैं चैलेंज में। बिल्कुल राकेश जी, अनिता जी और इधर है सुमन जी, दोनों के बीच में आज महाटक्कर होने वाली है। तो देखते हैं कौन इस महाथाली को पहले ढेर करता है और आज का ढेर सारा इनाम जीत के ले जाता है। आज इनाम के तौर पे रखा गया है 2200 रुपए का कैश इनाम। देखते हैं कौन इस 2200 रुपए के कितनी तेजी करते हैं और कौन इनाम जीत के ले जाते हैं। टाइम स्टार्ट करें, चलो भाई टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा टाइमर स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको सीधा चैलेंज देखने को मिले। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हर बार पूछते कौन जीतेगा भाई, दोनों के अंदर जो हौसला कूट कूट के भरा हुआ है। तो देखते हैं कौन इस महाताली को पहले ढेर करके और यह ढेर सारा इनाम जीत के ले जाते हैं। चलो तो टाइमर स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। बहुत भाई। सही भाई राकेश जी, टाइमर हो चुका है स्टार्ट और फिर से आ चुकी है सुमन जी तबाही के साथ। बिल्कुल, और दोनों का चैलेंज पहले आपने देखा होगा खीर के चैलेंज में तबाही मचा के जो है, लेग के चैलेंज में तबाही मचाने आ गए हैं दोनों चैलेंजर। और पिछली बार जो है भाई अनीता जी जो है खीर में एकदम भाई मिनटों में एकदम ढेर कर दी थी, और उसी का बदला लेते हुए आज सुमन जी उतर चुकी हैं, क्योंकि जैसा कि पिछली बार सुमन जी ने बोला था कि कोई तो है टक्कर देने वाला। बिल्कुल, तो आज जो है देने वाले दो चैलेंजर आपस में भिड़ चुके हैं चैलेंज में लड़ने के लिए, और देख सकते हो दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल बराबरी पे हैं, और देखते हैं कौन जीत के ले जाता है यह भारी इनाम। तो देखना यही है राकेश जी, इसको जो अभी तक उन्होंने छेड़ा भी नहीं है, और इधर एक लेग पीस को खत्म करने वाले हैं। तो आज जो है लेग पीस सही से साफ करके खाना है आपको, और सारा सलाद भी खाना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, अनीता जी जो है एकदम चावल में फिनिश करने में लगी हुई है, और सुमन जी जो है दोनों फिनिश कर रही है, चावल भी और लेग भी, बिल्कुल साथ में लेके। ये जो है टेक्निक है सुमन जी का। बिल्कुल, तो आज देखना यही है कि दोनों बाहुबली चैलेंजरों में से कौन जीत के ले आता है। जीत सकता है क्योंकि दोनों अभी भी बराबरी के टक्कर पे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, जैसा कि अभी अनीता जी थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई हैं, और इधर जी बात की जाए तो इधर भी आगे हैं, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा चैलेंज लगते हैं। क्या लगता है राकेश जी, अनीता जी या सुमन जी? कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 1 मिनट हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, हमारा टाइम जो एकदम कम ही होता है, और लगभग थाली आधी होती हुई दिख जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है लेग पीस का अड़ंगी लगा हुआ है दोनों के चैलेंज में, और दोनों के चैलेंज को देखते हैं कौन भाई। अनीता जी भाई साहब, अनीता जी जो है लेग को छू नहीं रही हैं, और इधर सुमन जी जो है पूरा तबाही तबाही सलाद उलाद चावल उबाल सब कुछ मिला दिए हैं, और अब जो है लेग में भिड़ चुकी है सुमन जी। जल्दी बताइए दोनों में से कौन जीत के ले जाने वाला आज की बाजी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल रहा कि कौन चैलेंजर जीत के जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, चावल खत्म हो चुका है और लेग बचा हुआ है, इधर जो है चावल और लेग थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो अभी भी सुमन जी राकेश जी कमर सीधी करेंगे और ले जाएंगे भाई साहब कैश इनाम। बिल्कुल, 2200 रुपए कम नहीं होता, बहुत भारी इनाम माना जाता है, तो भारी इनाम के वजह से देखते हैं कितनी भारी चैलेंज लड़ते हैं। बिल्कुल भाई साहब, 120 की स्पीड। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है 2 मिनट हो रहा है, 2 मिनट के अंदर देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया। अनीता जी राकेश जी चावल फिनिश कर चुकी हैं, अब लगने वाली है लेग पीस में। बिल्कुल, लेग को सही से, और इधर जो है भाई साहब सुमन जी का चावल और सब कुछ समाप्त होने वाला है, सिर्फ एक लेग पड़ा हुआ है और एक और लेग पड़ा है, इसमें थोड़ा सा रह चुका है बस। ये देखो अनीता जी का, बिल्कुल पानी डालो राकेश जी, पानी, बढ़िया पानी है इसके अंदर थोड़ा सा भी। चलो बहुत सही बहुत सही, और लग रहा है राकेश जी सुमन जी ही जीतने वाली हैं। कुछ भी नहीं कह सकते भाई साहब, बहुत सही। आराम से खाइए अनीता जी, आराम से खाइए, आप बहुत तेजी पकड़ रखे हैं, और उधर जो, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऑडियंस कमेंट करके बताओ अनीता जी जीतेंगे या सुमन जी। सुमन जी जो है भाई साहब इनको हो चुका है एक्सपीरियंस चैलेंज में आने का, और जब जो अनीता जी खीर में बहुत तेजी मचाई थी, और आज उसी के हिसाब से देखते हैं ये चिकन में मचा पाती हैं कि नहीं। आराम से चबाइए, आराम से चबाइए, कोई दिक्कत नहीं अनीता जी। और लगभग जो राकेश जी है सुमन जी भाई साहब स्पीड में जीत गई है लग रहा है। ये लो बहुत बढ़िया भाई, भाई साहब सुमन जी जो है राकेश जी भाई साहब एकदम ढेर कर चुकी हैं 3 ही मिनट में थाली पूरा। बहुत बढ़िया, और इधर जो है तेजी करिए अनीता जी, तेजी करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इधर लास्ट लेग पीस से अड़े हुए हैं अब राकेश जी, कुछ नहीं हो सकता। ये जो है सुमन जी का सिर्फ एक ही लेग रह चुका है, और अनीता जी का जो सिर्फ एक लेग रह चुका है बस। बिल्कुल, और दूसरे लेग में लगी हुई है।
बहुत अच्छा, जल्दी करिए सुमन जी, जीतने गई भाई साहब। कहानी खत्म कर दीजिए तेजी में खत्म करके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इनाम रखा गया था 2200 का, उस हिसाब से चैलेंज भी लड़े और उधर जो है थोड़े से के लिए रह गए और एक चैलेंज में जीते और दूसरे चैलेंज में जो है हारते हुए नजर आए। लो भाई साहब 120 की स्पीड है सुमन जी की। सुमन जी ने ये लो उधेड़ के रख दिया भाई। जाओ भाई राकेश जी, टाइमर स्टॉप कर दो आप। बिल्कुल खड़े होंगे तभी तो। ये लो भाई साहब, जीत चुके हैं राकेश जी सुमन जी। 3:56 के अंदर इन्होंने जो पूरी महाथाली को ढेर करके पूरा जो है लेग को ढेर करके लेग को भाई साहब पूरा ढेर कर दिया है। इधर अनीता जी का जो है लगभग एक लेग रह चुका है और एक और दो लेग जो है ऊपर तक फिनिश हो चुका है, रह गया और थोड़ी सी करी रह गई है, करी रह चुकी है। दोनों चैलेंजर हाथ हो गया है, बिल्कुल इनाम पाइए। चलो चलो राकेश जी, सुमन जी जो है और अनीता जी हाथों के आ चुकी हैं, तो सुमन जी को जो इनाम की राशि दी जाए। बिल्कुल ही दी जाएगी भाई, बिल्कुल ही दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि जो इन्होंने तबाही की तरह खाया, पूरा आंधी की तरह खाया और पूरे लैग को पूरा उधेड़ के रख दिया, चावल के अंदर मिक्स करके पूरा निचोड़ दिया और पूरा का पूरा जो थाली फिनिश कर चुके हैं। और सुमन जी एक बार और दिखा चुके हैं अपना अनुभव, अपना टैलेंट। तो राकेश जी मान चुके हो ना, चैलेंजर तो चैलेंजर ही होता है। बिल्कुल चैलेंजर चैलेंजर ही होता है, कभी भी अपना टैलेंट नहीं भूलता। उसी के हिसाब से जो है एक बार जो खीर के चैलेंज में हारी थी और उसका बदला देखो कितना बखूबी निभाया इन्होंने, पूरा एकदम अच्छे से। और भाई साहब सुमन जी जो है जीत चुकी है 2200 का इनाम। बिल्कुल आज कोई गिफ्ट नहीं रखा गया है और सिर्फ पैसा ही रखा गया है। तो ये लीजिए आप हमारी, तो ये लीजिए सुमन जी। अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलो भाई बहुत बढ़िया, और कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस को? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना अच्छे। चलो भाई, और अनीता जी आप कैसे रह गए, कुछ बताओगे ऑडियंस को? मैं ही बताना चाहती हूँ कि लाइक करना, कमेंट का जितना होता है कि मतलब सब्सक्राइब करना। बिल्कुल, और कहाँ से रह गए आप, क्यों रह गए? रह गई कि मतलब मैं ना उतना तरी भी नहीं खाती हूँ और चिकन उतना मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल भाई साहब जो बहुत किया है। चलो ये तो है राकेश जी, क्योंकि अनीता जी जो एकदम चावल में काफी ज्यादा स्पीड दिखाई थी। बिल्कुल जैसा कि इन्होंने खीर में दिखाई थी अपना आंधी तूफान, बिल्कुल ला दिया था, वैसे ही जो है यहाँ पे चावल और करी में ला दिया, बस जो है लेग जो है अटक गया। लेग भाई साहब जो देख सकते हो आप, चावल पूरा हो चुका था फिनिश, सिर्फ एक लेग से रह चुकी थी बस। लेग ने जो है इनको अड़ंगी देके जो है हरा दिया। बिल्कुल जो है सुमन जी जीत चुकी है और ये जो है हार चुकी है। चलो दोनों चैलेंजर का चैलेंज कैसा लगा आपको यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर भी अगर हार चुके हैं फिर भी इनके लिए थोड़ा सा अच्छा कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये चैलेंजर है, इनको हौसले की जरूरत है। आपका हौसला जो है, आपका कमेंट जो है, अच्छा अच्छा कमेंट ही इनके अंदर हौसला लाएगा और इनको एक बिग चैलेंजर बनने में मदद करेगा। बिल्कुल राकेश जी, विशाल जी सही काम है ना? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। तो दोनों चैलेंजर में से जिस चैलेंजर का आपको अच्छा चैलेंज लगा होगा उसके लिए थोड़ा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि इनको जो है हौसला मिलता रहे और चैलेंज में आते रहे और तबाही मचाते रहे। बिल्कुल तबाही मचाते रहे और इनाम जीतते रहे। उसी के साथ अपना यह चैलेंज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैलेंज में। उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं कि आप मायूस ना हो, उसके लिए थोड़ा सा इनाम की राशि आप देना चाहेंगे? ये लो भाई, चलो भाई साहब, ये होता है चैलेंज और ये होता है एक तरह का बदला। बिल्कुल, ये है चैलेंज युद्ध है एक तरह का। बिल्कुल भाई, जिसमें जो है जीत और हार लगी रहती है और उस हिसाब से जो है ये जीत के इनाम पा रही है। और उन्होंने जो है एक बार और इनाम इन्होंने नहीं लिया था, उसी हिसाब से जो है इस बार इन्होंने बदला लेके जो है इनाम नहीं ले रहे। बिल्कुल, तो क्या लगता है अनीता जी अगली बार टक्कर दे पाओगे कि नहीं सुमन जी को? चलो भाई फुल एकदम आपके लिए बताइए जिसमें आप टक्कर दे पाए। चलो भाई कोई भी चीज तो देखते हैं राकेश जी अगला चैलेंज किस चीज का लाएं और जो है उसमें बताइए क्या चीज का चैलेंज लाएं दोनों चैलेंजर के लिए। बिल्कुल, तो चलो के साथ अपना यह चैलेंज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैलेंज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।